देखिए हम इसका समाकलन करेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x। और देखिए ये जो है हमारा दो फलन के योग अंतर के रूप में है, तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, अंतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx बराबर लिखेंगे पहले वाला फलन के सामने पहले वाला, फिर माइनस, चार संख्या है तो चार को बाहर निकाल लेंगे, और e के पावर 3x तो e के पावर 3x dx। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण ए मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब साइन 2x का अलग निकालेंगे और e के पावर 3x का अलग। इन दोनों को निकालने के बाद दोनों को मान रख दिया जाएगा, ठीक है। आइए हम निकालते हैं। हम जानते हैं कि d/dx cos 2x बराबर होता है माइनस साइन 2x इंटू 2, तो d/dx cos 2x बराबर माइनस 2 sin 2x, d cos 2x बराबर माइनस 2 sin 2x dx। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह देंगे, तो देखिए d cos 2x फिर माइनस 2 sin 2x dx। और देखिए d के साथ जो होता है समाकलन में वही लिखा जाता है, तो हम इसका करेंगे d cos 2x का, तो cos 2x हो गया, और इधर माइनस 2 है तो इधर बटा में माइनस 2 हो जाएगा, बराबर माइनस साइन 2x dx। अब साइन 2x dx को इधर करेंगे, cos 2x बटा में माइनस 2 को इस साइड कर लेंगे, साइन 2x dx बराबर कॉस 2x बटा में माइनस 2, और प्लस c1 इसमें जोड़ देंगे समाकलन नेता। इसको क्या करेंगे, समीकरण एक मान लिए। अब देखिए आगे यहाँ से d/dx e के पावर 3x बराबर e के पावर 3x इंटू d/dx 3x, e के पावर 3x का e के पावर 3x और 3x का 3, d e के पावर 3x बराबर 3 e के पावर 3x dx। समाकलन करने पर तो समाकलन d e के पावर 3x बराबर 3 e के पावर 3x dx। तो देखिए यहाँ पर समाकलन के रूप में क्या है, d के साथ e के पावर 3x है तो e के पावर 3x लिखेंगे, 3 e के पावर 3x dx। इसका हमको मान प्राप्त करना है, इसीलिए इसको वैसे ही छोड़ देंगे, और चूंकि 3 गुणनफल के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग करेंगे, तो e के पावर 3x बटा में 3 बराबर e के पावर 3x dx। अब क्या करें, इसको उठा के इधर रखेंगे, इसको मान को इधर रखेंगे, e के पावर 3x dx बराबर e के पावर 3x बटा में 3 प्लस c2। इसको समीकरण नंबर 2 कर लिए। और समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखिए, ऊपर वाले मान में है हमारा, तब समीकरण एक ए में समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो इधर वाला साइड को पूरा उतार देंगे वैसे ही, अब इधर मान रखेंगे हम, तो ये साइन 2x dx समीकरण 1 से साइन 2x dx बराबर कास्ट 2x अपन -2 + c1। इसको यहाँ पर रख दिया गया, कास्ट 2x अपन -2 + c1। फिर पुनः -4 दिया है तो -4 लिख लिए, और e के पावर 3x dx का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है समीकरण नंबर 2 से, तो 4 e के पावर 3x बटा में 3 + c2। अब 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 बटा में 3 e के पावर 3x फिर -4c2। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं -1/2 cos 2x, फिर इसको इधर लिखेंगे -4 बटा में 3 e के पावर 3x प्लस c1 -4c2। अब c1 -4c2 के स्थान पर एक अलग से समाकलन नियतांक c जोड़ देंगे, तो साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x
डी एक्स बराबर माइनस एक बटा दो कॉस टू एक्स माइनस चार बटा में तीन ई के पावर थ्री एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आंसर, इसको नोट कीजिएगा।